फाउंडेशन जून ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट एम आकाश अग्रवाल यूर क्या आपका सेट होना चाहिए वॉट ऑल थिंग्स टू कैरी क्विकली लेट्स डिस्कस एग्जाम कमिंग तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए आपके दो घंटे में अटेम्प्ट जो हंड्रेड क्वेश्चन के टू आवर्स हंड्रेड क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन इन रैंडम ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आपके एम के जैसे नहीं होने वाला स्टार्टिंग में ऑल मैथ क्वेश्चन रीजनिंग देन स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं होता भाई पूरे हंड्रेड क्वेश्चन मिक्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का हो सकता है सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ एल के लास्ट टॉपिक्स देन मैथ्स का थर्ड टॉपिक फिर स्टार्ट का फोर्थ ऐसा रैंडम ऑर्डर में पूरा पेपर मिक्स होगा सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है वो पूरे रैंडम ऑर्डर में आएंगे सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज अरेंज नहीं होंगे तीनों सेक्शन मिक्स इन कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर नेक्स्टली अब आपके पास रीडिंग टाइम तो नहीं होता सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं स्कीम ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा

फिर उसको आपने सॉल्व करने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया हो सकता है पाँच सात दस मिनट निकल गए और आपके एक या दो ही क्वेश्चन क्रैक हुआ प्रेशर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा सो so, आपको लग रहा है अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है एल वाले उसको बाद में के लिए रखिए डोंट वरी अगर आपके फेवरेट टॉपिक का भी है उसको छोड़ दो यार फर्स्ट आप क्या क्रैक करेंगे आपने स्टार्टिंग uh, के गो थ्रू किया आपने देखा भाई कुछ थ्योरी क्वेश्चन है उसको क्विकली आपने उड़ा दिया दैट इज वॉट आई मीन बाय स्कीम थ्रू द क्वेश्चन पेपर जो आपको इजी लग रहा है वो उड़ा दो आगे द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक एंड मार्क इट्स आंसर ऑन ओ एमर शिट देख अभी कैसे ना हमने क्वेश्चन पेपर लिया स्टार्टिंग के पांच से दस आपने स्किप कर कोई टेंशन नहीं है यार आप आगे गए आपने जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो उड़ाए हो सकता है आपने पीछे से करना स्टार्ट किया या रैंडमली बीच में से आप ऐसा कुछ माइंड मत बना के जाओ कि मैं पीछे से फिर स्टार्ट करूंगा पता नहीं यार तो कुछ भी हो सकता है तो बट स्मार्टली करना है आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे लेन दिए बीच में के थियोरिटिकल बेस्ड स्टैटिस्टिक्स वाले इजी है या कुछ एल आर बेस वाले इजी क्वेश्चन या मैथ्स के डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है वो क्वेश्चन आप क्रैक कर लो ज्यादा टाइम कोई क्वेश्चंस पर डालना नहीं है अब मैंने क्या बोला जो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं उसको टिक करिए एंड मार्केट आंसर ऑन ओ एमर शीट तो मैं क्या बोल रहा हूं जैसे आपने कोई क्वेश्चन क्रैक कर लिया आपको आ गया क्वेश्चन पेपर पे वो क्वेश्चन नंबर पे हल्के से टिक मारिए क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं आप फिर बोलेंगे सर हल्का सा टिक क्यों मारना है सो so दैट आप थोड़ी देर बाद फिर से वो क्वेश्चन पढ़ के और उसको क्रैक करने नहीं जाए क्योंकि इट्स तो ऑलरेडी क्रैक डर और जैसे आपको उसका आंसर मिल गया ओ एमआर शीट में जाके उसको प्रॉपरली आप डार्क कर लीजिए कर सर्कल से डार्क इन सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट डोंट कीप इट डोंट कीप इट फॉर द एंड सो दैट ऐसा नहीं हो कि आपने डार्क ही नहीं किया यार वैसा नहीं होना चाहिए इसके लिए मैं बोल रहा राइट अवे डू इट नेक्स्टली डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली हो सकता है आपका फेवरेट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सिटिंग अरेंजमेंट एकदम फेवरेट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला क्वेश्चन आ गया आपके स्टार्टिंग के इधर आपने बोला भाई नहीं है, तो आता है मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप फाइट करें फाइट कर रहे दो चार मिनट हो गया नहीं आ रहा है यार उसको छोड़ दो यार इन वर्ष केस ऐसा हो रहा है तो डोंट ओवर स्पेंड टाइम उसके आपके ऐसे दिल पे मतलब भाई ये कैसे नहीं आ रहा को कोई तो मेरा फेवरेट टॉपिक है हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में यार कभी कभी इजी क्वेश्चंस अपन से क्रैक नहीं होते दस पंद्रह मिनट बाद उसके पास आओ या पूरा पेपर एक बार थ्रू करने के बाद उस पर आओ आपके पास वो क्वेश्चन खटाक से आपसे क्रैक हो जाएगा तो प्लीज डोंट फाइट विद द क्वेश्चन वेरी रॉन्ग अप्रोच नेक्स्टली कैटेगराइज अब मैं क्या चाह रहा हूं पता है आपने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक वो टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपको समझ समझा भैया मैंने नहीं पढ़ा है क्रॉस डाल दो उसके इधर ताकि आप फिर से उसके पास नहीं आए यार या ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक है जो आपके इतने थरो नहीं है बट आपको लगता है भाई अगर कुछ नहीं है एंड में मैं इसके पास आ सकता हूं तो उधर डबल लाइन डाल दो या बी लिख दो यू विल कम बाद में ऑन इट या डबल लाइन से दो जो भी ऐसे डबल वाइ डबल लाइन वाले क्वेश्चन उनके पास आप बाद में आएंगे सो दैट आप बार बार वो क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करें जो आपसे बन रहा है भाई खटाखट उड़ाओ मार्क करो प्लीज यू हैव टू डू दैट नेक्स्टली रफ वर्क ओनली ऑन लास्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट तो लास्ट पेज जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका लास्ट साइड फ्रंट बैक भी यूजली नहीं होता एकदम लास्ट साइड आपको ऐसा ब्लैंक मिलता है जिधर आप रफ वर्क करना आपको ऑफिशियली अलाउड है तो मैं कैसे चाहता हूं यू डिवाइड दैट पेपर इन फोर पार्ट सेंटर या तो मोर आइडियली बाजू में सब रफर कर सकते हैं आई सजेस्ट डूइंग द रफर विद पेंसिल ओनली सो दैट वर्स्ट केस एकदम वर्स्ट केस कभी जरूरत पड़ी जगह खत्म हो गई तो दैट पार्ट अगेन ऑल दो अभी आप बोलेंगे सर क्वेश्चन uh, पेपर पे रफ वर क्वेश्चन के बाजू में नहीं कर सकते क्या टेक्निकली नहीं करना चाहिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना टेक्निकली अलाउड नहीं है वेरी वर्स्ट केस अगर आपको लग रहा है वो क्वेश्चन जो है वो एक दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा आप हल्के से उधर सॉल्व कर सकते हो दैट शोडली फाइन अब एक और चीज मैं सजेस्ट करता हूं एट द एंड प्लीज ट्राई टू रब इट रह गया कोई टेंशन नहीं है बट ज्यादा क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना मत दैट्स नॉट अलाउड प्लीज बिलीव मी तो यही जगह पर आपको ऐसे पार्टीशन बनाना है लास्ट पेज पे जितना वर्क

40 क्वेश्चन टू क्रैक जिसमें कुछ लेंदी क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं तो आपके पास उसके लिए ज्यादा टाइम होगा यू कैन डू दैट वर्स्ट नेक्स्ट सॉरी वर्स्ट केस 40 क्वेश्चन में कुछ नहीं भी हो दैट्स फाइन आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम तो होता है तो सेट अ टारगेट ऑफ अटेम्प्टिंग अराउंड 50 टू 60 श्योर सिक्स क्वेश्चन आर सो प्रेशर इज लेस नाउ यू कैन अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट लेर 40 क्वेश्चन वेयर एज इफ यू आर जस्ट

ट्रिकी uh, और डिफिकल्ट होता है हर अटेम्प्ट होता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ईजी आएगा इजी आएगा बट ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आएगा प्रिपरेशन किया है तो आपको मक्खन जाने वाले बट यूजली मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है पॉइंट क्या है सिर्फ कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे भाई सो में से दस क्वेश्चन एकदम वर्ष केस बीस क्वेश्चन अस्सी तो बहुत अस्सी तो बहुत ईजी आएंगे क्या आपको अस्सी में इंटरेस्ट है पास होने में ओ oh, ये yes. तो क्या वो दस बीस क्वेश्चन पे आप डिफिकल्टी लेवल जज कर रहे हो भाई बहुत डिफिकल्ट क्यों भाई मैंने इधर चार पांच लिखा है यूजुअली उतने आते हैं दस ले लो एकदम वर्स्ट केस बीस ले लो अस्सी क्वेश्चन तो आपके हाथ के है यार बहुत अटेम्प्ट करना एटी मार्क्स लाना सेवेंटी फाइव प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर पॉइंट समझो हाँ ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयर वेरी थरोली

टेंशन नहीं लेना पास होना है अपन को नेक्स्टली रिमेंबर फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक पासिंग मार्क्स मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि भाई ये अप्रोच भी रखिए कोई टेंशन नहीं पहला है पहला प्रायोरिटी क्या है मैच में पासिंग मार्क्स क्रैक करना है दैट्स इट बाकी और जितना आपने प्रिपरेशन किया उतना आपको और मार्क्स मिलेगा कोई टेंशन नहीं है नेक्स्ट ली मिनट्स तो भाई वो जो 120 मिनट्स है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता आपने इतने चार छह महीने से इतने शिद्दत से प्रिपरेशन किया है पूरा आपको जान डालना है पूरा फोकस रहना है डिमोटिवेट नहीं होना है स्ट्रेस नहीं लेना है अन्य सली वो दो घंटों में ब्लैंक नहीं होना है यार इफ यू स्टे फोकस आप पॉजिटिव पे ध्यान देंगे इजी क्वेश्चन पे पहले टारगेट रखेंगे आप डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक करेंगे रोने का फोड़ने का वन ट्वेंटी प्लीज टर मैं दो सजेस्ट करता हूँ सो देट इन वर्स्ट केस एक हाथ बंद हो जाए तो इफ यू थन इज इन कैरी वन ब्लैक पेन आपको लेके जाने दो बोथ साइड शार्प एचबी पेंसिल तो एच बी पेंसिल इंस्टीट्यूट सजेस्ट करती है इसलिए बिकॉज दैट इज बेट डार्क ऐसा प्रेफरेबली आई वुड से टेक एच बी पेंसिल आप दूसरा कोई लेके जाइए बट इट शुड बी डार्क सो दैट द सर्कल शुड बी विजिबल टू द मशीन थ्रू विच इज गेटिंग विच इट इज गेटिंग स्कैन पेंसिल आप जो भी यूज कर दोनों साइड शार्प करिए ताकि यू you नो know, एक पेंसिल में दो का मजा सो आई आई वुड सजेस्ट टेकिंग फोर फाइव पेंसिल बोर्ड साइड शार्प तो आठ से दस पेंसिल्स हो जाते हैं वो स्केल इरेजर शार्पना के लिए स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड आई होप दिस गिव ब्रीफ अबाउट वॉट थिंग्स टू कैरी मेन क्या है दो घंटे में खुद का माइंड सेट संभालना यू हैव प्रिपेड अ लॉट स्टे फोकस्ड टेंशन नहीं लेना है बहुत अच्छा जाएगा पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है तो भी योर फोकस इज प्राइमरी टू अटेम्प सेवेंटी क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो आई बिलीव इन यू यू बिलीव इन योर सेल्फ अपन फोड़ेंगे बाहर रोनेगा नाइव फोड़ने का ऑल द बेस्ट परफेक्ट चेंज ¡Gracias!